और शहडोल जिले का तो और भी बड़ा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी थोड़ा सा नीचे यहाँ पधार रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जी जो यहाँ आ रहे हैं वो एक बड़े उद्देश्य को लेकर आ रहे हैं। एक तो वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस का कार्यक्रम कल संपन्न हुआ है। इस अवसर पर हमने 5 यात्राएं प्रारंभ की है जो वीरांगना रानी दुर्गावती की माँ रानी दुर्गावती की गाथाएं सबको बताती हुई 26 तारीख की रात में शेड्यूल की थी। 27 को वीरांगना माँ रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस यहाँ मनेगा, बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होगा और इसमें दो बड़ी चीजें माननीय प्रधानमंत्री जी, एक तो सिकल सेल एनीमिया मिशन लॉन्च करेंगे। हमारे आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल की बीमारी लोगों की जिंदगी को बहुत कष्टपूर्ण बना देती है, तो उसकी स्क्रीनिंग और इलाज के लिए एक मिशन लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री जी। और दूसरे व्यापक पैमाने पर आयुष्मान कार्ड हमने बनाए हैं, मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा कार्ड बनकर तैयार हैं और उन आयुष्मान कार्ड पर 5 लाख रुपए तक का इलाज साल भर में एक परिवार का होगा। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से क्रांतिकारी फैसला है। तो प्रधानमंत्री जी यहाँ से आयुष्मान कार्ड के वितरण का काम प्रारंभ करेंगे और जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आयुष्मान कार्ड वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे तो उसी समय लगभग 25,000 स्थानों पर हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर और गाँव में शहरों में भी आयुष्मान कार्ड जनता को वितरित किए जाएंगे ताकि सबको आयुष्मान कार्ड मिल सके और सुलभता से इलाज हो सके। प्रधानमंत्री जी बड़ी सभा को तो संबोधित करेंगे लालपुर में, लेकिन यहाँ गांव में पोखरिया में जो अलग अलग हमारे ग्रुप हैं, हमारी दीदियाँ जो आजीविका मिशन में काम कर रही है उनसे चर्चा करेंगे। ऐसा एक्ट इसी साल राष्ट्रपति जी पधारी थी तब यहीं से लॉन्च किया था, अब वो धीरे धीरे नीचे क्रियान्वित हो रहा है तो पेशा के भी जो हितग्राही है उनसे चर्चा करेंगे। फुटबॉल एक लोकप्रिय खेल बन के उभरी है और हमारे बच्चे बड़ी संख्या में फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फुटबॉल क्लब के बच्चों से भी वो चर्चा करेंगे और हमारे जनजातीय समाज के मुखियाओं से भी वो बातचीत करेंगे और यहाँ भोजन भी करेंगे। आज चूँकि मौसम ऐसा है कि मुझे लगा एक बार व्यवस्थाएं मैं देख लूँ, और वैसे तो बढ़िया होगा सब, लेकिन बारिश की संभावनाएं भी हो सकती हैं, इसलिए एक बार अगर बारिश नहीं हुई तो खुले में ही कार्यक्रम होगा, बारिश अगर हुई तो फिर थोड़ा बारिश के हिसाब से भी मुझे लगा इंतजाम देखना चाहिए, क्योंकि तो पानी अगर आ गया तो भी कार्यक्रम संपन्न हो जाए, इसलिए आज मैं व्यवस्था देख लिया। सर पकड़े गर्म क्या है स्पेशल यहाँ चुना गया इस गाँव को भोजन के लिए? नहीं, गाँव एक गाँव में संवाद होना था और पकड़िया को चुना गया, तो दौरे को विधानसभा चुनाव से भी जोड़ते बहुत बहुत। देखिए पिछले साल भी राष्ट्रपति जी आए थे, उसके पहले आप देखो उसके पहले 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ, नहीं दूसरी जगह। अब 2 साल में अगर देखे तो प्रधानमंत्री जी के कई प्रवास हुए, हर चीज को कोई चुनाव से जोड़े तो 2018 में उसके परिणाम